खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर के आदेश पर शराब दुकान को हटाने अबकारी सहित पुलिस हमला पहुंचा। शासकीय जमीन को अवैध रूप से हथियाने अतिक्रमण कर खोली गई थी शराब की दुकान। अबकारी सहित पुलिस हमले ने शराब दुकान को हटाया। बताते चलें कि अबकारी अधिकारियों के संरक्षण के चलते शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर शराब ठेकेदार ने शराब की दुकान खोल दी थी। जमीन पर पड़ी कलेक्टर की नजर तो कार्रवाई के लिए निकले अधिकारी गण। इस दौरान रीवा SDM अनुराग तिवारी, तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये शराब ठेका जो यहाँ पर खुला हुआ था, ये मूलतः नगर निगम के जो प्रावधान है उनके विपरीत था, और साथ ही जो लैंड आवंटित है उसके भी विपरीत था ये। तो इसलिए ये इलीगल प्रीमाइसेस में बनाई हुई अस्थायी दुकान थी, जिसको आज हटवाया जा रहा है। और इनको निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर पहले आपकी दुकान थी, आप जो निर्धारित दुकान है, चौहद्दी जिसकी निर्धारित है, उसी जगह पर आप अपना ठेका चलाएंगे। और इसमें आबकारी विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा और नगर निगम विभाग के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और इसको हटवाया जा रहा है। जब बनाया जा रहा था तो फिर आबकारी विभाग क्यों? पहले इसमें पूर्व में इनको NOC जारी थी, वो NOC वगैरह रद्द हुई है, उसके बाद इसको नियम के विपरीत पाए जाने के बाद इसको हटवाया जा रहा है। और जो पुराना प्रमाइसेस है, जो इनका अनुबंध में चौहद्दी लिखी हुई है, वहीं पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। इसको हटवाएंगे, इनको मोहलत दी है कि स्वयं हटवा लें, यदि नहीं हटवाते हैं तो हम कार्रवाई करके हटवा लेंगे। कितने दिन, कितने घंटे की मोहलत दी? कल शाम तक करवा लेंगे ये। पेट्रोल नहीं ले आए।